हम अपने पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से फिर से अपने फ़ोन में लॉगिन करें। क्या फ्रेंड्स आप भी जो है अपने इंस्टाग्राम का जो पुराना अकाउंट है, जो पुराना प्रोफाइल है, वो अकाउंट को आप लोग जो है फिर से अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन करना चाहते हो, लेकिन जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देखता है ओल्ड अकाउंट लॉगिन का, और आप लोग जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे, आप अपने पुराना अकाउंट को जो है नहीं खोल पा रहे फिर से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर पहुँच चुके हो। इस वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप लोगों को वही बताया कि अगर आप लोगों का जो इंस्टाग्राम किसी कारणवश जो है डिलीट हो जाता है, या फिर आपने जो फोन को चेंज कर दिया और आप जो है अभी अपना पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से लॉगिन करना चाहते हो, तो आप लोग किस तरीके से अपने पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को लॉगिन करना सीखना है तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना, और कुछ भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम से रिलेटेड और अगर आप लोग कुछ पूछना है तो आप मैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को रिप्लाई जो है फ्रेंड्स तुरंत ही मिल जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहां से अपने मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। तो यहां पे अभी आप लोग देख सकते हैं यूजर नेम, यहां पे पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग पुराना अकाउंट जो है लॉगिन कर रहे तो आप लोगों को शायद हो सकता है कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहां पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेटन पासवर्ड, तो जस्ट आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स तो यहां पे अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे आप लोगों को आपका जो अकाउंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अकाउंट फाइंड करने के लिए सिंपल से आप लोगों का आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लोग यहां पे डाल दीजिए और यहां पे आप लोगों को फाइंड आउट पे क्लिक करना है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। अभी यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया और यहां पे मैं फाइंड अकाउंट पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं यहां पे फाइंड अकाउंट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो यहां पे देख सकते हो गेट कोड और व्यू लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग सिंपल से इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स तो यहां पे अभी आपने जो अपना मोबाइल नंबर डाला है जो आपके इंस्टाग्राम के साथ लिंक था उस पर यहाँ पे OTP सेंड होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं OTP ऑटोमेटिक आ चुका है और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो हम यहाँ पे कोई सा भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे डेमो के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई सा भी एक पासवर्ड को यहाँ पे बना लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, अगर इसको आप टिक करते हो ना तो जितना सारा भी डिवाइस में आपका ऑलरेडी लॉग इन है उससे वो लॉग आउट हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, इसको सिंपल से पासवर्ड बना के यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपका पासवर्ड बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे देख सकते हो वो रिकवर हो चुका है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का आपका जो पासवर्ड है वो सेव करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप लोग अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हो, नहीं सेव करना तो आप लोग नोट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो फाइनली आपका जो इंस्टाग्राम का जो पुराना अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स आपका पुराना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यूज करके आप लोग जो अपने इंस्टाग्राम का जो पुराना अकाउंट है उसको आप लोग जो है ओपन कर सकते हो, उसको आप लोग जो है खोल सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूँ जो कि आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।